आज की तारीख है 6 जनवरी 6 जनवरी के दिन इतिहास के पन्नों में वो कौन सी घटना है जो दर्ज हो चुकी है वो महत्वपूर्ण घटनाएं आखिर 6 जनवरी को कौन सी हुई मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं ऑन दिस डे के माध्यम से तो चलिए शुरू करते हैं 6 जनवरी को आखिर कौन सी घटनाएं हुई थी छे जनवरी 1664 का जिक्र करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर आज ही के दिन हमला किया था साल था 1664 का तारीख थी जनवरी की वहीं 6 जनवरी सत्रह तिहत्तर का अगर हम जिक्र करें तो यह भी तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि मैसा मैचास गुलामों ने आजादी के लिए विधानमंडल की याचिका दायर आज ही के दिन की थी 1773 में वहीं 6 जनवरी 1824 भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि फ्रांस के लेखक और साहित्यकार एलेक्जेंडर डोमा कनिस्ट का पेरिस में आज ही के दिन जन्म हुआ था वहीं 1870 की अगर बात की जाए मुसुकैरीन वियाना का उद्घाटन ऑस्ट्रिया हंगरी ने आज ही के दिन किया था तारीख थी 6 जनवरी की साल था 1870 का वहीं 6 जनवरी अठारह की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय आज ही के दिन बने बनाए गए थे दरअसल साल अठारह का था तारीख थी 6 जनवरी की जब लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया बनाया गया था वहीं 6 जनवरी 1919 की तारीख का जिक्र करें तो अमरीका के छब्बीसवें राष्ट्रपति थियोडर रोजवेल्ट का निधन आज ही की तारीख को हुआ था 6 जनवरी 1928 को चार्ली चैपलिन की मूक कॉमेडी फिल्म सर्कस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर में स्टैंडर्ड थिएटर में हुआ था आज ही के दिन 6 जनवरी 2016 का जिक्र करें तो उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक एक थर्मा न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण आज ही के दिन किया था साल 2016 का था और तारीख थी 6 जनवरी की उत्तर कोरिया ने थर्मल न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण आज ही किया था सफलतापूर्वक वह परीक्षण हुआ था तो ये कुछ घटनाएं थी 6 जनवरी से जुड़े हुए अब करते हैं 6 जनवरी को जन्म अगर जिक्र करें तो उन्नीस में भारतीय फिल्म जगत में बेहतरीन संगीतकार ए आर रहमान का जन्म आज ही की तारीख को हुआ था तारीख थी 6 जनवरी को और साल था उन्नीस का वही छ जनवरी उन्नीस को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का भी जन्म हुआ था वहीं 6 जनवरी को किन का जन्म हुआ कौन सी शख्सियत थी वो मैंने आपको बताया अब रुक करते हैं आखिर वो कौन सी शख्सियत थी छः जनवरी की तारीख को जो हमसे विदा हो गई अलविदा कह गई जिन जो रुखसत फरमा गई दरअसल 6 जनवरी 2009 भारतीय राजनीतिक भारतीय राजनीतिज्ञ गुलाम मोहम्मद शाह का आज ही के दिन निधन हुआ था 6 जनवरी की तारीख थी साल था 2009 का तो ये छह जनवरी से जुड़े हुए इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया आखिर वो कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं कौन से शख्सियत जिनका जन्म हुआ और किन की मृत्यु हुई आज की तारीख यानी कि 6 जनवरी को बहुत शुक्रिया उम्मीद करते हैं आप तक जानकारी पहुंची होगी आप इस वीडियो को हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे अगर आपको जानकारी मिली है तो इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए बहुत शुक्रिया